उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे इन लॉज जो है वो अमृतसर, अभी ये पंजाब में एक सिटी फिरोजपुर, वहां पर रहते हैं। तो जब मैं वहां पर जाता हूँ तो वहां का जब मैं एफएम ट्यून करता हूँ तो वहां पर आपका जो कसूर है एरिया, वहां का एफएम वहां पे कैच होता है, तो मैं वहां का भी सुनने की कोशिश करता हूँ कि कसूर का एफएम भी मैं सुनूं। तो मुझे बहुत शौक है पाकिस्तान के एफएम का। थोड़ा मुझे होता है किस तरह से वो थोड़ा सा पंजाबी बोलते हैं वहां पर, थोड़ा अलग तरह, थोड़ा सा टोन अलग है पंजाबी की उधर, या उर्दू बोलते हैं तो उसमें उनकी पंजाबी टोन आती है, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मेरा नाम आशिर है, ड्राइविंग करते हुए 20 साल हो गए हैं। रोज़ाना 8-10 घंटे मैं ये सुनता हूँ रेडियो, और इसमें म्यूज़िक चलता है, अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक होता है, गज़ल होती है, गाना होता है। 103.60 इसको मैंने सेट किया हुआ है। लता मंगेशकर है, किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी है। मज़ा आता है इनका म्यूज़िक सुनने का, इनकी गायकी सुनने का। दिल्ली में रहता हूँ, प्रशांत सहगल मेरा नाम है और मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ जी। मस्त FM 103 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, तो बिलावल और हीना का शो मैं देखता था, आसिफ मलिक रियाज हैं उनका रेडियो शो मैं कई बार सुनता हूँ, और FM 101 भी मैं सुनता हूँ कई बार। तो ये दो मेरे फेवरेट FM 103 101 जिनको मैं जनरली सुनता हूँ। मुझे लगता है कोई अपना ही रेडियो जॉकी है जो बस उधर बैठा है थोड़ा सा दूर, और वो प्ले कर रहा है हमारे गाने कर रहा है या आपके गाने कर रहा है, वो सारे एक ही तरह के लगते हैं सारे म्यूजिक जो वो प्ले कर रहा है। मेरा नाम अदील अजहर है और मैं तकरीबन 19 साल से अब कुछ ज़ायद हो गए हैं कि मैं रेडियो पे शो कर रहा हूँ। द इंडियन लिसनर्स आर ऑलवेज़ वेलकम इन माई प्रोग्राम। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी भारत में कोई मेरा प्रोग्राम सुन रहा होता है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मेरा नाम है सचिन साहनी, मैं एक रेडियो जॉकी जिसको हिंदी में कहते हैं कि रेडियो उद्घोषक। या इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर, अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ दिस लवली मीडियम। मैंने बाय चांस एक बारी मैंने अपना एफएम लगाया हुआ था, तो मुझे अपना एफएम लाहौर से ना मिस्टर एक अदील अजहर है आरजे, बहुत फेमस, अब वो वर्ल्ड अफेयर्स डिस्कस करते थे अपने रेडियो शो में, और साथ में जो पाकिस्तान का न्यूज पेपर वो भी पढ़ते थे, तो वही मेरा को मुझे क्लिक कर गया उनका जो स्टाइल है कि उनका वर्ल्ड अफेयर्स डिस्कस करना। जब हम कार में होते हैं तो जब पाकिस्तान का हमने कुछ चैनल सुनना होता है तो बस फिर हम कहते हैं ना भगवान भरोसे होते हैं, कभी सिग्नल आ जाता है कभी नहीं आता है। इनका जो प्रोग्राम है जिंदगी हसीन है, ये खासतौर पर मैं सुनता हूँ चाहे मैं जहाँ पर भी हूँ। ये प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसको मैं लाजमी सुनता हूँ। इस पर मुझे कोशिश होती है कि इसके सिग्नल भी वीक ना हो और ये मुझे मिले अच्छा। जब भी पंजाब अपना विजिट करते हैं, अमृतसर तक पहुंचते हैं, तो फिर रेडियो सिग्नल वहां फिर आ जाते हैं, तो वहां तो रेडियो पे हो सकता है संपर्क बट। यहाँ मैं इंटरनेट रेडियो के जरिए से ही आप सबकी आवाजें सुन पाता हूँ। मॉर्निंग नंबर 1 में ही आपके साथ आपके पास। और न्यू ईयर वाले दिन एक लिसनर हमारे वो लाहौर के स्टूडियो में केक लेकर गए और आरजे के साथ मिलके 5-6 लिसनर थे, मेरे पास अभी भी वो वीडियो पड़ा है, तो वो वहां मनाया गया और मुझे इस तरह से बर्थडे विश किया गया, एंड वो आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। आई एम सो थैंकफुल टू दिस रेडियो मीडियम कि जिसकी वजह से आपको एक ग्लोबल रीच मिलती रही, और मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कि इंडिया में मुझे सुनते भी हैं और वहां से मुझे फीडबैक भी मिलता रहा। बहुत सारे ऐसे लिसनर्स थे जो वहां से मैसेज करते थे, वहां से कॉल्स करते थे, और वो जो एक फीलिंग वहां की आती है आपको, या कोई ऐसा जो आपको हमसाए मुल्क से कॉल करके कह रहा हो कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वॉइस। फैसल मजीद एक फॉलोअर है, वो लाहौर से ही है, and he's also been associated with media in a certain way. और वो मुझे regularly हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। जिस वक्त इंडिया में दिल्ली का वो मशहूर रेप केस हुआ था, जिसको निर्भया रेप केस कहा जाता है, उस जमाने में आई डू रिमेम्बर सम पीपल मैसेजिंग फ्रॉम इंडिया, और आई थिंक उनके भी आई थिंक वी बोथ शेयर्ड द सेम कंसर्न्स कि एक औरत है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको भी हक है कि जिस तरह मर्द रात में अकेले घूम सकते हैं तो औरतें भी घूम सकती हैं। मैंने LOC की तरफ से चिट्ठी लिखी थी जिसमें LOC एक न्यूट्रल लाइन है दोनों तरफ को लेकर, राइट? सो LOC क्या फील करती है, दैट वाज रियली लव्ड बाय बोथ द साइड्स, क्योंकि उसमें उसको नहीं पता किसका ब्लड कहाँ से गिर रहा है।
मुझे जो प्यार वहाँ से मिला, मुझे जो वहाँ से मोहब्बतें जो मैं समेट कर लेकर आई, मेरे नहीं ख्याल से कि मैं वो कभी भी भूल सकती हूँ। मैं दो दफा लाहौर आ भी चुका हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम जब आई थी 2004-06 में, तो लोगों की हॉस्पिटैलिटी उसको महसूस किया और वही वार्मथ मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होके मिलती है, तो It's beautiful. मैं जब बाई रोड वहाँ पर गया तो डॉक्टर सलील अरोड़ा जो कि मेरी मुझे फेसबुक पे फॉलो करते थे, उन्होंने उनको पता चला कि मैं हिंदुस्तान आया हूँ, उन्होंने कहा अरे भाई तुम कहाँ निकल गए, रुके क्यों नहीं। लेकिन वापसी पे डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा सफ़र जो है वो ट्रैक किया एंड ही वॉज वेरी काइंड। मैसेज किया तो वो जनाब, अब मुझे ये भी था कि शायद ये हमें पाकिस्तानी समझ के, लाहौरी समझ के ये हमारा सुनेंगे या जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ठीक वो कोई 5 मिनट के बाद उन्होंने मेरी पसंद का गाना भी चला दिया। रदील अजहर जो है जो अपने एफएम पे थे, तो उस टाइम पर वो अमृतसर आए थे, मेकर डेट वाज ईयर 2016 था, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। व्यू पॉइंट मेरा एफएम सुनकर भी चेंज हुआ था, और जब उनसे मिला तब भी मुझे लगा जैसे कि बहुत फ्रेंडली लोग हैं पाकिस्तान के। कोई ना कोई एक कॉल ऐसा 100% होता था जो हमें अपना कलाम या अपनी कोई आर्ट की बात जरूर सुनाता था। And I'm a huge fan, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे भी, और इस इंटरव्यू के लिए खास तौर पे मैंने लॉर्ड द सूट पाया। वहाँ पर मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला, उन्हें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जिनको पता चला कि अच्छा ये वो आरजे हैं जिनको हम सुना करते थे, ठीक है, वो खास फ्रिक्वेंसी के जरिए, वो मुझे उस यूनिवर्सिटी तक मिलने के लिए आए। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने मुझे इंडिया में PhD ऑफर कर दी। बड़े सारे लिसनर्स थे जो मुझे बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुनाया करते थे, कईयों को वारिस शाह के कलाम इतने अच्छे तरह से याद थे, मतलब कल्चर इतना रिच है वहाँ पे। हमारी एक म्यूजिकल लैंग्वेज तो एक ही है, तो पटियाला घराना दोनों तरफ है या फिर ग्वालियर घराने की गायकी जो मैंने कुछ साल सीखी भी है, तो वो दोनों तरफ है, तो इन्फ्लुएंसेस हैं, तो जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो बहुत मजेदार रिएक्शंस मिलते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो चाहे बॉलीवुड में इंडियन प्रोड्यूस होता है वो आप लोग प्ले करते हैं, तो मुझे आप लोगों का म्यूजिक ज्यादा पसंद आता है जो वहाँ प्ले होता है। गाना हम बहुत सुनते हैं लाहौर लाहौर है, तो ये पे इंडिया पे अमृतसर में जब मैं छोटा था तब ये गाना चला था, तब भी बहुत चलता था, आजकल मैं अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ। हमारे जो चैनल गुलाम अली मेहदी हसन नूरजान को चलाते हैं, इंडियन वाले भी चलाते हैं, आपदा परवीन को चलाते हैं, इताउल्लाह ऐसा खेलवी को चलाते हैं, मतलब अच्छा लगता है। ये जो हमने आयरन कर्टन एक दोनों मुल्कों के दरमियान लगाया हुआ है, ये ज़रा सा भी रिलीज़ होगा तो आप देखेंगे कि लोग कैसे एक दूसरे की तरफ जो है ना वो खिंचे चले आएंगे। ये खिंचाव जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो आप कह लीजिए कि उस हवाले से ही नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से रेडियो को अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनको हम करीब भी ला सकते हैं। अगर हम आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखें तो अच्छा ही है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट रहे तो ठीक है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स रहे तो ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं तो खराब होता है। पॉलिटिकल लेवल पे या फिर कंट्रीज के लेवल पे वो क्या है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कलाकार को एक सोचने का काम है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपने फन से, अपनी कंटेंट से, अपनी चीज़ों से किसी को खुशी दे सकूं, कुछ एक नया कुछ प्रेजेंट कर सकूं। मेरे को हिना बहुत पसंद है मेरे को अफजल भी बहुत पसंद है, और इकट्ठे एक साथ बात करते थे वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। बहुत सारे आरजेज हैं जिनको मैं क्रॉस बॉर्डर सुनती हूँ, उसमें आरजे नवेद हैं, उसमें रोहन हैं, उसमें आरजे हीर हैं। इंडिया में आरजेज बड़े ज़बरदस्त हैं, आरजे नवेद के जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं, उनके जो चीज़ें होती हैं वो मैं देखता हूँ, आई रियली रियली लव दैट गाय। रेडियो जॉकीज़ जितने भी हैं क्रॉस बॉर्डर्स भी और यहाँ के भी, अगर वो एज पीस एम्बेसडर्स काम करना शुरू करें तो बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है, बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। उनको अच्छा लगता है अमृतसर की या पंजाब की बातें सुन के, हमें अच्छा लगता है उनके लाहौर की बातें सुन के, आम जनता दोनों तरफ की प्यार ही चाहती है और हमेशा शांति ही चाहती है। मेरे को है दिमाग में कि भी मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया तो मैं जरूर हो गया हूँ लाहौर कराची पेशावर में, और वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। रेडियो जो है चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडियन है, वो एक अच्छा मैसेज देता है, अच्छा मैसेज देता है इसलिए कि आप लोग आपस में प्यार से रहें। वहाँ के 10 बच्चों को देख के लगता है कि वो भी हमारे ही देश के बच्चे हैं, हमारे जैसे ही बच्चों की तरह बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पाक भारत सरहद के आर पार रेडियो की लहरों पर झूमते अनसुने लिसनर्स हमारे जहनों पर दस्तक देते हैं के इख्तलाफात चाहे कितने ही क्यों ना हों, मुश्तरका रवायात और इंसानियत लकीरों में कैद नहीं हो सकती।